जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज हेसेस लॉ। और हेसेस लॉ जो है दैट इज बेसिकली कांस्टेंट हीट समिशन, ठीक है। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समिशन, इसको कांस्टेंट हीट समिशन कहते हैं। वो एट द एंड ऑफ द टॉपिक जो है वो आपको चीज जो है क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब आ रही जो हेसेस लॉ है, ये एक साइंटिस्ट है जिसने ये चीज एक्सप्लेन की। हेजेस ने क्या कहा था उसको बात देख लें, क्योंकि इससे पहले हम जो चीजें पढ़ते आ गए हैं वो बेसिकली कैलकुलेशन है, मेजरिंग है, इंथैल्पी है। तो दो मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, दो डिफरेंट मेथड्स हैं। ग्लास कैलोरीमीटर है, मीटर है। सेकेंड नंबर के ऊपर बॉम्ब कैलोरीमीटर है। तो ये दो मेथड्स हमने पढ़े थे। अब हेजेस लॉ भी जो है वो बेसिकली एंथैल्पी की ही कैलकुलेशन है, एंथैल्पी को ही हम मालूम करते हैं। वैसे अगर हम बात करें दो चीज़ों में, अगर डिवाइड करें तो आपके पास जो हेजेस लॉ है दैट इज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, और अगर हम बात करें ग्लास कैलोरीमीटर की और बॉम्ब कैलोरीमीटर की, दैट इज बेसिकली व्हाट एक्सपेरिमेंटल बेस टू कैलकुलेट दी एंथैल्पी। तो ये डिफरेंट दोनों के अंदर है। लेकिन एक और एडवांटेज है जहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, तो वो हम देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि हेजेस लॉ जो है वो एंथैल्पी कैलकुलेशन के ऊपर क्या हिदायात, क्या वो रूल्स हैं जिसकी बेस जिसको हम फॉलो करेंगे हम जो किसी भी रिएक्शन के तौर पे जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, उससे हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। बेटे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिएक्टर है ए, वो आफ्टर सम टाइम चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज प्रोडक्ट बी, और इसको कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड है दैट इज डेल्टा एच, जिसे हम फॉर्मेशन कह रहे हैं डेल्टा एच, ठीक है। अब एक तो रूट है जिसे हम कह रहे हैं रूट वन, आर वन, ये रूट वन है। लेकिन इसको बनाने का एक और रास्ता भी है, एक और रास्ता भी है। वो क्या है कि हम करते हैं पहले ये जो रिएक्टर है ये कन्वर्ट होता है बेटे x के अंदर, जो बाय प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ इंटरमीडिएट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद ये x जो है वो आफ्टर सम टाइम इट विल चेंज इनटू y, और बेटे ये y अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है किसके अंदर, b के अंदर हमारे पास। तो ये जो रूट है दैट इज रूट नंबर 2। अब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल जब ये चीज a से x में आई है तो यहां पे भी डेल्टा h आई है, ठीक है। तो यहाँ क्या डेल्टा एच टू आ गया इसकी कन्वर्जन, और वाई जब ये बी में कन्वर्ट हुआ है तो दैट इज बेसिकली डेल्टा एच 3। अब इसके दो रूट्स हैं, बी में बी आपकी मंजिल है, ये प्रोडक्ट है जिसपे आपने पहुंचना है, और इस के दो रास्ते हैं। या तो आप क्या करते हैं ब्रैक ए से बी में कन्वर्ट हो जाए, या सेकंड नंबर के ऊपर ए एक्स में कन्वर्ट हो, एक्स वाई में, और देन बी। अब अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ, हेजेस लॉ ये कहता है कि एक केमिकल चेंज हुई है उसके डिफरेंट वेज हैं, एक ये रास्ता और एक ये वाला रास्ता। उसने कहा कि अब अगर इस तरह की कोई चेंज होती है तो बेटे उसके अंदर जो हीट चेंज होती है, एंथैल्पी होती है, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मिसाल के तौर पे इसको मैं यहां लिख भी देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेल्टा एच की वाला ले रहा हूं, डेल्टा एच फॉर्मेशन ले रहा हूं, ये डेल्टा एच में इसको कह लूं, तो बेटे दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3। यानी दोनों स्टेप्स, दोनों रूट्स को अगर देखा जाए तो दोनों रूट्स की जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी बेटे, इक्वल होगी, कांस्टेंट होगी, उसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। अब यहां पे एक कंडीशन उसने बताई, वो कंडीशन क्या है, उसने कहा कि अगर आप क्या करें, ये जो आप एंथैल्पी उस वक्त इक्वल आएंगी, कांस्टेंट आएंगी, अगर आप क्या करें, आप इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन जो है, अगर आपने ये दो कंडीशन जो हैं वो क्या की हुई हैं, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी दी हुई इसी ऊपर, इसी चीज के ऊपर, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के ऊपर ही दोनों प्रोसेसेस चलाए हुए हैं, तो बेटे क्या होगा, आपके पास जो एंथैल्पी चेंज आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो ये उसने यहां पर किया। अगर मैं इसको डेफिनेशन की अंदर बात करूं तो बेटे सबसे पहले मैं इसके
पॉइंट में बता के आपको जो कीवर्ड्स हैं वो याद हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें आप याद रखते हैं तो अगर आप कीवर्ड्स की फॉर्म के अंदर याद रखेंगे तो बेटे वो आपके लिए आसानी से याद भी रहेंगी और आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बेटे सबसे पहले क्या कि क्या हुआ है बेटे, केमिकल चेंज हुई है, ठीक है, ए से बी में कन्वर्ट हो गया केमिकल चेंज। अब ये जो केमिकल चेंज है ये इसके क्या थे, एक से ज्यादा रास्ते थे जिसे हम कहते हैं डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट रूट्स कहते हैं, ठीक है जी। अब जो डिफरेंट रूट्स हैं इसमें क्या है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या होगा, ओवरऑल एनर्जी जो है जैसे आप तौर पे कह रहे हैं वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या सेम रहेगी, ठीक है जी। लेकिन कंडीशन उसने क्या रखी, उसने कंडीशन ये रखी है कि अगर क्या करें इनिशियल और इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन क्या कर दें, सेम कर दें, यू विल गेट व्हाट, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये बेसिकली क्या है, हैजर्स लॉ है। अब आज एक पर्टिकुलर एग्जांपल के ऊपर जिसको हम स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि बेटे ये आपका रिएक्शन है, रिएक्टेंट है कार्बन एंड यू हैव ऑक्सीजन, इट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इस रिएक्शन के अंदर आपको कहता हूं कि भाई मुझे जो है इस वक्त एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं मल्टीएसिड, ठीक है। अगर मैं एडवांटेज अगर यहां पे आपको बता दूं तो एडवांटेज जो ये थ्रेटियर मेथड है उसका क्या है कि बेसिकली होता क्या है कि जो मल्टीएसिड स्टेप्स होते हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट्स होते हैं, उन इंटरमीडिएट्स का जो उनकी जो एंथैल्पी होती है वो हम डायरेक्ट बॉन्ड कैलोरीमीटर या ग्लास कैलोरीमीटर से मालूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन है। तो कहां से मालूम करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली मेन जो आपका मेथड है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे वो क्या है, हैजर्स लॉ है, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेप्स में उसमें एंथैल्पी को बता भी देता है और आप क्या करते हैं उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। इसके अलावा जितने भी बहुत स्लो स्टेप्स हैं या जितने भी बहुत फास्ट स्टेप्स हैं तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं, इन हैजर्स लॉ को यूज करते हुए आप ये मालूम कर सकते हैं एंथैल्पी जो है वो मालूम की जा सकती है। बेसिकली इसके दो तीन जो है वो प्लस पॉइंट्स हैं हैजर्स लॉ के, ताकि आप मेन प्रैक्टिकली इसको क्या कर लें, काउंट कर लें। अब यहाँ पर देखिए दो रूट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंचने के दो रूट्स हैं, कौन सा, जी डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इक्वल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड रूट क्या है, सेकंड रूट बेटे ये है कि यहां पे क्या हो रहा है, पहले कि कार्बन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, लिमिटेड ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फर्दर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, यू विल गेट व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मेशन है, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होने के लिए जो डेल्टा का फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज इक्वल टू -393.7 किलोजूल पर मोल। अब कार्बन से कार्बन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से दूसरे रूट के अंदर, तो क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम कर लीजिए। लेकिन यहां पे आपको दूसरी चीज क्या मालूम है कि कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करते क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आप डेल्टा H2 कह रहे हैं, डेल्टा H मालूम नहीं है, डेल्टा H2 मालूम है, दैट इज इक्वल टू -283 किलोजूल पर मोल। अब यहां पे आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मालूम कर सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल डेल्टा एच जिसे हम कह रहे हैं HF कह रहे हैं इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। अब यहां पे देखें डेल्टा एच एफ जो है हमारे पास कितना आ गया, -393.7 इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या है वन, मालूम हमें करना है ये आ गया, प्लस डेल्टा एच टू की वैल्यू क्या है -283, ठीक है जी, किलो जूल पर मोल साथ आ रहेगा 283। अब आ जाएगी डेल्टा एच वन मालूम करना है, तो ये बेटे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां त्रुटि क्या आ जाएगी, कहां आ जाएगी, इधर आ जाएगी, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वन इज इक्वल टू -393.7। बेटे माइनस का यहां पे क्या आ गया, इक्वालिटी के दूसरे साइड पे आया तो क्या होगा प्लस, तो देन यू विल गेट व्हाट 83। अब इसको अगर माइनस करें आप यू विल गेट व्हाट, राउंड ऑफ करके 110 -110 किलो जूल पर मोल डेल्टा एच वन जो है वो क्या है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बेसिकली ये तरीका कार है जिससे आप क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स जो मौजूद होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, उनके भी आप इंट्रोपी जो है मालूम कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं, CCl4 है, CCl4 इसका भी आप मालूम कर सकते हैं थ्रू ग्लास क्लोरिनेटर और बॉम्ब क्लोरिनेटर। इसी तरह Al2O3 है, इसका भी नहीं मालूम कर सकते। इसी तरह बोरॉन ऑक्साइड है, उसका भी नहीं मालूम किया जा सकता। तो ये कुछ लिमिटेशन हैं जो ग्लास और बॉम्ब क्लोरिनेटर के अंदर आती है। इसी से रिलेटेड एक और चीज है जो इसकी बेसिकली एप्लीकेशन है, वो है बॉन हाइपरसाइकिल। लैटिक एनर्जी आपने मालूम करनी है, किसकी वजह आपने NaCl की, वो इंशाल्लाह